मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से दिखा पाऊं कि मैंने किस तरीके से दीपावली सेलिब्रेट करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करना। साथ ही साथ में आप सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, आप सभी को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, इस वजह से मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप कमेंट में जरूर लिख कर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अब दोस्तों, ये मेरे भगवान जी का कमरा है, आप देख सकते हो अभी भगवान जी तैयार हो रहे हैं और ये हमारे लड्डू गोपाल आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये लॉर्ड कृष्णा की आप बड़ी सी मूर्ति देख रहे होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा लुक इसका आता है। तो पूरा ये टेम्पल हमारा आप देख सकते हैं, इस पूरे टेम्पल में घर में ये टेम्पल बना हुआ है और पूरे यहीं पे हमारी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ यहीं होती है। और अभी चूंकि दीपक जले नहीं है तो आप देख सकते हो हम मोमबत्ती का इस्तेमाल कम करते हैं। ये जो डेलिया जो आप देखते होंगे रोड साइड मिलती है, इसको हम जलाकर दीप जलाएंगे और ये ऐसा इसका पूरा लुक आता है। दोस्तों, दिवाली पे चाहे जितने भी बिजी हो जाएं या लाइफ में जितने भी ज्यादा बिजी हो, जब तक झालर अपने हाथों से लगाकर सजावट ना करो दिवाली की फील नहीं आती है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने अपने ड्राइंग रूम में इस तरीके से इसको झालर को लगाया है, देखने में अच्छा फील आता है। और सामने भी एक देख सकते हो मैंने झालर यहाँ पर लगाई है। तो ये पूरा रूम जो है इसको क्लीनिंग से लेकर इसकी झालर लगाने तक सब मैंने खुद से करी है। तो दिवाली पर अच्छा लगता है साफ सफाई करके और सजावट, ये आप देख सकते हो। अभी एक बाहर से भी मैं वीडियो बनाऊंगा, घर के बाहर वाली झालर जो है वो भी मैंने लगाई है, तो उसका भी अभी आपको एक फोटो दिखाऊंगा, आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया है जहां पर साफ सफाई करके मैंने सब कुछ किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दीपक जला लिए हैं और दीपक जलाकर इसको हर जगह पूरे घर में, हर एक कमरे में, बाथरूम में, किचन में, जितने भी मतलब पूरे घर में रूम है, हर जगह हम लोग इसको रखते हैं, सो दैट हर जगह का अंधकार मिटे और यहाँ पर प्रकाशमय हो सारी चीजें, नेगेटिविटी हटे, पॉजिटिविटी आए। तो शुरू करते हैं, इसको रखते हैं क्लोज। दोस्तों, आप बाहर से इसका लुक देख सकते हैं, बाहर से हो सकता है आपको वॉइस ना आए क्योंकि रोड साइड है, तो ये देख सकते हैं पूरी झालर लगाने के बाद में कैसा यहाँ पर लुक आया है। और पूरा ये जो झालर आप देख रहे हैं ये सब हमने खुद से किया है, क्योंकि दीपावली पर खुद से जब कोई काम करते हैं तो वो त्योहार वाली फीलिंग आती है, क्योंकि बचपन में ये सब काम हम लोग खुद से ही करते रहते थे और जब से बड़े हुए हैं तो हम लोग किसी दूसरे के सहारे रहते हैं, लेकिन अगर हम खुद से इसको करेंगे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये इस तरफ आपको चारों तरफ दीपावली की रौनक भी दिख रही होगी और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि झालरें लगभग सभी की लगी हुई हैं। तो ये आप इसको देखें,